अरे यार दूध में कितना पानी मिला है फिर ग्राहक आ रहे हैं बोसू। हाँ हाँ, तुम बिना पानी मिलाए दारू पिए जाओ और मैं बिना पानी मिलाए दूध बेच दूँ, तुम शरीर बर्बाद कर दो और मैं यहाँ घर बर्बाद कर दे रही हूँ, है ना? वाह तेरी, मिला मिला मिला, कोई दिक्कत नहीं, मिला 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 मिला, देख ना रहा महंगाई कितनी हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, मतलब थोड़ी ना दूध कितने पानी बेचने लगा है। 50 रुपए लीटर में ऐसे ही आएगा, प्योर दूध 80 रुपए लीटर चल रहा है, दिए तो जाते ना पैसा किसी पे, अब पियो पानी। तू तो मिला दे पानी, दूध देने मैं ही तो जाऊँ, फिर ग्राहक आने वो। हाँ तो कह दे करो कि भैंस आजकल जमीन में ज्यादा पानी पी रही है, भीतर से ही मिक्स होके आ रहा हूँ, और दो चार कसम कसम खा ले करो। हाँ तो ऐसी तो करूँ, तो तेरी कसम खा के आऊँ, तो बाकी कसम में पानी मिला कर दूंगी। बहुत बढ़िया, मैं ही मिली तुम्हें कसम खाने को, मार दो मो तुम, मार दो। हाँ तो पानी में तो तू ही मिला रही है। हाँ मैं अपने मारे ही तो कर रही हूँ सब, इन कैनों में लीटर में सब अपनी छाती पटर के मरूंगी। बोला भैया जैसा तो करनी वैसा कर ले, मैं तो कुछ कह ही ना रहा। हाँ तो कह दे कैसे से कहो तुम, और हाँ रिकॉर्ड सरोज के दूध के पैसा क्यों ना आ रहे 3 महीना से। और अरे मैं मांगे बेचारी के आदमी की रूटी छूट गई। बेचारी गोम की सारी लगाई तुम्हें तो बेचारी लगे, पर यह हफ्ता अगर इन बेचारी के पैसा ना आए ना तब बताऊंगी तुम्हें। ना तू मत दियो, तू मत दियो पैसा, पैसा तो आज देने कह रहे, आज दे देंगे पैसा तो 10 तारीख तक सबकी तनख्वाह आ जावे, पर पूरा महीना होता तुम सही हिसाब ही ना होता। हाँ हाँ ऐसा तो तेरा भी करूंगा मैं। ना मैं यूँ कह रहा हूँ, दूध दूध का सबका हिसाब क्लियर कर दूंगा टाइम में, दिक्कत मत लेकर बाबू। तो बाबू तो दिक्कत क्यों ले रही है, मैं हूँ ना यार, मेरे होते पैसे मत लेकर तू। अच्छा ठीक है, और बताओ क्या कर रहे हो आप? मैं तो कुछ ना यार बाबू, भैंसों का नहार काट रहा हूँ। अच्छा आप खुद ही काटते हो? ना मैं क्यों काटूंगा, प्रियंका चोपड़ा से कह रखी है वो आ जा सवेरे सवेरे दूध काट दे, नहार काट दे, हम एक लोटा दूध दे देवा। वो कैसी बात करते हो? कैसी बात कहा बाबू, तू उल्टी बात कर रही है, जब भैंस हमारी है तो नहार भी तो हम ही काटेंगे। वैसे क्या क्या खाती है आपकी भैंस? सवेरे ब्रेकफास्ट में पीनट बटर और लंच में पीले वाले चावल, सांझ को मलाई कोफ्ता भी बूंदी कर आया था। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, सही सही बताओ ना बाबू। भैंस खावे बिनौला की खल, हरा चारा और दलिया। खल? ये खल क्या होती है? खल भैंसन को प्रोटीन रहे। वैसे एक बात बताऊँ, भैंस तो खली खावे, लौंडिया तो अकेली खा जावे पूरी। अच्छा आपको बहुत पता है लड़कियों का। ना ऐसी बात ना बाबू, मजाक ही करती हूँ करो बस। अच्छा ये बताओ आ रहे हो ना ट्यूशन? बाबू तू जो कहेगी ना मैं वहाँ आ जाऊँगा, बस मैं ट्यूशन नहीं आ सकता, मेरी 10 महीने की फीस जमाना है। तो क्या हुआ, दे दो उनकी फीस। तू पागल हो रही है, मैं फेल होने की नौ बता रही है, अगर 10 महीने की फीस और मांग लेंगे मम्मी से, मम्मी गोली मार देगी मम्मी। फेल कैसे हो जाओगे, कुछ लिखा नहीं था एग्जाम में? अरे नौवीं में तो देख लियो, फिर तो किताब देखी ना हमने, पेपर में कहा लिखते। फिर ऐसे कैसे पास हो गए आप? 10वीं में 12वीं में सब में फेल हो जाऊँ कोई बात ना, बस तू एक बार मैं पास कर दे फिर सब में देख लूंगा मैं। अच्छा ठीक है चलो कर लो आप अपने काम, और मुझे ट्यूशन भी जाना है, भाई भी नहीं जा रहा तो मुझे आज अकेले जाना पड़ेगा। अकेले जाना है बाबू, फिर तो मैं भी आ रहा हूँ। अरे नहीं 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 इतना टाइम नहीं है। अरे तू रुक, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। अरे काम कर लो ना आप अपना। अरे अरे तो देख रही तो मेरा काम, मेरी जान आ रहा हूँ। डेढ़ किलो बबली को, 2 किलो राजू को और 1 किलो सुरेश को। हाँ अरे कौन जा रहा हूँ पापा, दोस्त का फोन आया ट्रांसफार्मर फटका। ट्रांसफार्मर तो फटा लेकिन तो फाड़ दूंगा। यार काकले भैंस भूखी खड़ी है। भैंस तो भूखी हो ही नहीं सकती पापा, वाकई तो मंगलवार का व्रत है आज। अगर आज तू चला करो तो तेरा मंगलवार का पर्सा खड़ा दूंगा। ए पापा इतना बढ़िया लौंडा न्यार काटता अच्छा लगा तुम्हें, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा। तू तो बनाओ कुछ भी, गाड़ी लांगे। भरोसा रखो पापा जी, दुनिया इंगा तिंगा हो जाओ, फॉर्चुनर तो घर में आके रहेगी। मैं जा रहा हूँ आग बुझाऊं, ट्रांसफार्मर भटका पापा। ओ नौकर दुर्गन। भैया ओ भैया ओ नितिन मित्र भैया ओ मित्र भैया भैया कहाँ है भैया भैया भैया, सांस ले लेकर नितिन मृदुल भैया नितिन मृदुल भैया। दांत मत फाड़े, बता कहाँ ले भैया सु? लेने तो कुछ नहीं, हम तो बस मिलन आए थे भैया। था मिलन आए, ये सब में दिमाग रहता होगा, पढ़ाई लिखाई भी कर लेकर। इतो पढ़ो आपका पढ़ते ही रहा मैं, गर्मी की छुट्टी चल रही, वे तो हमने पेपर खत्म होते ही बेच दी थी। वाह बेटा वाह, या तो हमने बड़ी तेजी दिखाई। अरे आंटी सवेरे सवेरे पढ़ाई लिखाई की बात ना करो, और जाओ तो भैया कहाँ है उन्हें बुला दो। ना भैया ना आए, गए कहीं। आंटी झूठी मत बोलियो, वहाँ तो बुला दो।
जब कैदी ना है, समझ ना आ रही? नहीं है तो पहले ही बता देती, पता नहीं पढ़ाई लिखाई बस्ता किताब ने बसाए रखो हमें। और वाले दोनों अगले पकड़े कच्चा मिल गया। अरे ओ बहुत जल्दी है, समझाओ यार, कहीं ना हमें ट्यूशन जा रही है। कौन सा ट्यूशन? कभी भी छुट्टी, कभी भी पढ़ाई, कभी भी ट्यूशन चालू। अरे ट्यूशन, अरे बोल ना, तू भी तो जा रहा, बोल। मम्मी ट्यूशन में, ट्यूशन में प्रैक्टिकल आज हमारा। हाँ, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, भूल रहा ना मम्मी, प्रैक्टिकल है। अच्छा, साहे का प्रैक्टिकल है? उसे बताने से मना करा मैडम ने, मस्ताने का फोन आया, ट्यूशन बैठा एक घंटे से कह रहा मैडम बुला रही है। मस्तानी दो मिनट पहले यही सो गया, वो कह रहे हैं ट्यूशन में बैठा बुला रहा, झूठ बुलवा रहा, बस पानी करवा लो। हाँ तो मैडम ने भेजा है बुलाने को। हाँ दिखाई दे रहा कितने ट्यूशन सुना रहा हूँ, यही होगा चप्पा चटकाता हुआ। हाँ तो उन्हें जा रहा होगा, हमारे तो प्रैक्टिकल है, करा दो तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल यही। और किताबें तो तुमने फेंक दी, तुमने कहा जा रहे हो ट्यूशन में, दिखे बैठे दिखा दे, अरे छोड़। गर्मी में ठंड लग रही है तुम्हें? उपरान का प्रैक्टिकल है तुम्हारा? गोबर गैस का प्रैक्टिकल है हमारे ले जा रहे। ऐसा उपरान मारूंगी ना, सही सही बता। मम्मी हमारे एक दोस्त उच्च वाले फ्लैट में रह रहे, तो हुक्का पीने को उपड़ा मंगावे तो एक हुक्का 10 रुपए का ले ले, या हमारे ले जा रहे। तुम ट्यूशन में पढ़ने जा रहे हो क्या, उपला बैठने जा रहे हो? हाँ रुक रहे किसी पे यार, सही है, बच गए ना तो मम्मी डाउन से मार देती आज तो। क्या बिल्लू मस्तानी, मस्तानी, अरे भैया मस्तानी कहाँ जा रहा है यार, मम्मी ने कह रही तू भी घर आया। हाँ भैया गए तो होते, क्वारंटीन बजाए तो जा कह रही भैया आए ही नहीं घर है। अरे हम तो घर ही है यार, हमें तो पता है भैया तुम घर ही हैं, क्वारंटीन तुम्हें बुलाए रही थी ना, मैं भीतर जान दे रही थी तो हम चले आए। पर जब हमने तो कह रखी कि हमें बिना फोन करे मत आया कर, फिर क्यों आ जावे तू, हम तेरे नाम लेके बाहर चले जा घूमने। भैया यार मेरा फोन चार्जिंग पे लग रहा, तुमने सोची भैया से मिल ले। हम मम्मी से कह रहे कि मम्मी मस्तानी ट्यूशन बैठा हमें बुला रहा, पर हमें कहा पता मस्तानी पहले आके आ दिया यहाँ। भैया हमें पता ही नहीं होती यार, सारे तुम्हें कुछ पता भी है, चल जल्दी अब तेरी भाभी तुम्हें ले जाना। पर ये कौन सी भाभी? अरे यार एक ही तो तेरी भाभी है यार, सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं हम। भैया भी जा रही खुशी, बाबू बाबू क्या हाल है? और बाबू ठीक है तू? आई गई ना। अरे बाबू बस पे बचाते मरते मराते जैसे ऐसे आई गए, जैसे तो देखे मैंने रह कौन जा, देखे कितना तो प्यारा फूल सवा लगे। तेरे तो फूल सवा लगे, हमारे फूल झाड़ू देख या झाड़ू लेके फिर तेरे चाय रोड। ओ हेलो, मेरे बालों को ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबू मैं तो किसी कुछ रखे हूँ, मैं तो बस तो शुरू कह रहा हूँ इन बालों ने सूदे करवा ले। हाँ हाँ मुझे अच्छे नहीं लगा, ये ना ऐसे रहते हैं सीधे नहीं होते, और तू ना कम बोल समझ गया। तेरे इन बालन ने रोड पे बिछा के इन पर रोड रोलर चलवा दूंगा, गैर सूद हो जाएंगे फिर। ऐसे क्यों बात करो, कितने बढ़िया तो है यार, वैसे भी हम फालतू बात करने का जरूरत है यार, कभी कभी तो बोले प्यार की बात करे कर भाई। और बाबू? हाँ जी बताओ। हाँ जी बताओ यार, आवाज से एक बात याद आ रही, बताओ तुम्हें। हाँ बताओ बताओ बताओ, सही बताओ। बताना, कल मैंने सोचा कि अगर गलती से मेरा तुमसे ब्याह होगा तो तुम मुझसे क्या कह करेगी, ए जी ओ जी अजी ओ फलाने के पापा। यानी अगर गलती से हमारा ब्याह होगा तो तुम उसका कहेगी, जैसी तुम्हारी हरकत है ना ये गलती तो मैं गलती से भी ना करूँ। हेलो कम बोल रहे ना, तो ईट मारूंगा सिर में, समझ गई? अरे भाई यार तुम तो गुतरो शुरू कर दो पहले ही, एक कौन सा मैं मिलने करूँ तुम बताया कर मेरी गैस। आप देख रहे हो भैया कितने बढ़िया है, वो कितने अच्छे से उससे बात करते हैं। जब यू बढ़िया था बाबू भी तो बढ़िया, जब यहाँ पूछ ले किसकी बाबू है तू, यू कह रहे आपकी, तू पूछ लो तू कह रहे बाप की, पढ़ाई मानती तू। वैसे ना ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वरना अभी चली जाऊंगी मैं।
भैया तुम्हारी बात हो गई तो मेरी बात कर लो। हाँ हाँ एक मिनट रुक जा बाबू, मैं कह रहा हूँ अपनी क्लास में रश्मि वासिया की बात कर लो मस्तानी की, ये भी मिलने करेगा। वो तो स्कूल ही नहीं आती, मुझे लगता है उसने स्कूल छोड़ दिया है। देखो भैया हमने तुमसे कही थी बाबू पढ़ाई लिखाई मन ही नहीं लगा, भाई तो मैं नहीं लगा तो खतो। हम दोनों अपने बाबू से मिलने गए, मम्मी ने बाबू गेली पकड़ लिया। बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, सपना देख लिया ने। ऐसा कहाँ देख लिया सपने में? सपने में नू कह रहा चुड़ैल देख ली चुड़ैल। अरे मैं तेरे ताबीज बढ़वा दूंगी, चुड़ैल चुड़ैल मत देखेगा सपने में। ठीक है मम्मी, गलती से आ गई। नितिन ये पानी पिवा के थोड़ा ठंडा। ठीक है पिला रहा हूँ अभी। मैं तो डर गई, पता नहीं कहाँ होगा बालक। भाई मम्मी तो चलेगी, और बता सपना आया तो कल ना जाऊ बाबू से मिलने। अरे कैसी बात कर रहे, क्यों ना जाएंगे, जाएंगे यार बहुत दिन बाद मिल रहे। बस सही कह रहा हूँ, मम्मी तो सपने में ही आ गई, अब कल एकदम ब्रेस मिला के अपने बाबू से। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों, जल्दी पूरी करना है 20 मिलियन सब्सक्राइबर। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बात कमेंट में बताई देना, शेयर करना अपने बाबू के साथ, बच्चा के साथ और जो भी आपके हों के साथ शेयर करना वीडियो और दिखाना। और हम मिलने जा रहे हैं अपने बाबू से, क्योंकि सपने में तो मम्मी आ गई थी, तो लाइव मिलने जाना पड़ेगा। नई नई वीडियो जल्दी आती रहेंगी, ऐसे देखते रहे, प्यार बनाए रखे। और दोस्तों बाबू जी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो जो है वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, ज्यादा ट्रिप कर लिया गले का। ठीक है तो हम दोनों यहाँ मोर्चे संभाले हुए हैं, तो बाकी दोस्तों गेट वेल सून बोल देना मस्तानी जी को, जल्दी जल्दी सब बोल देना और अपना ध्यान रखें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और फॉलो कर ले राम जी, फॉलो कर हम लोगों के इंस्टाग्राम के लिंक पड़े हुए डिस्क्रिप्शन में, वहां आ जाओ। ओके सबसे बात करेंगे, चलो ध्यान रखो, राम राम जी।